गुड मॉर्निंग एवरीबडी, माई सेल्फ गिरिराज अग्रवाल। मेरे यूट्यूब चैनल में आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं और स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने मेरे इस वीडियो में डिटरमिनर से संबंधित कुछ यूजेज आपके सामने लेकर उपस्थित हुआ हूं। आशा है आप मेरे वीडियो को ध्यान से देखेंगे और उन विद्यार्थियों से मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और यदि वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक भी करें। देखिए, पिछले वीडियोज में मैंने आपको डिटरमिनर्स के बारे में सामान्य जानकारी दी थी, कौन कौन से डिटरमिनर्स होते हैं। आज मैं आपको उनसे संबंधित कुछ यूजेज बताऊंगा। सबसे पहले मैं आज आपको जो बताने जा रहा हूं वह है सम और एनी। सम और एनी, इनके यूजेज में बताऊंगा। देखिए, सम सबसे पहला इसका अर्थ क्या होता है। देखिए, सम सम का अर्थ होता है कुछ और एनी का अर्थ होता है कोई। फिर जब तक किसी भी शब्द का हिंदी अर्थ हमें मालूम नहीं होगा तब तक हम उसके यूज को सही ढंग से प्रयुक्त नहीं कर सकते। इसलिए सबसे पहले क्लियर आपके सामने ये कर रहा हूं कि इनका अर्थ होता है सम यानी कुछ और एनी यानी होता है कोई। तो अब सबसे पहले मैं आपको इन दोनों के प्रयोग के बारे में बताना चाहूंगा कि सम और एनी इन दोनों का यूज करीब करीब समान होता है। सम और एनी का यूज हम अनकाउंटेबल व काउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल व काउंटेबल नाउन से पूर्व करते हैं, चाहे वह सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल। सबसे पहली बात ध्यान रखेंगे कि सम और एनी है, इसका प्रयोग सभी प्रकार की संज्ञाओं से पूर्व किया जा सकता है। कोई सा भी नाउन इसके बाद आ सकता है, चाहे वो अनकाउंटेबल हो या फिर काउंटेबल में सिंगुलर हो या प्लूरल, इसका यूज हम करते हैं। अन्य डिटरमिनर्स में क्या होता है, या तो वो अनकाउंटेबल के साथ यूज किया जाता है या फिर काउंटेबल के साथ। और काउंटेबल में भी क्या होता है, कुछ ऐसे होते हैं जो केवल सिंगुलर में चलते हैं और कुछ ऐसे वो केवल प्लूरल में चलते हैं। लेकिन यहां पर आप देखेंगे सम और एनी का प्रयोग सभी प्रकार के संज्ञा शब्दों से पूर्व करते हैं। तो अब जब सम और एनी का प्रयोग सभी जगह पर होता है तो फिर इनमें डिफरेंस क्या है, इस बात को हम जानने का प्रयास करेंगे। तो आपने नोट कर लिया इस चीज को, अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब मैं आपको सम का यूज बता रहा हूं किस प्रकार से किया जाता है। देखिए, यहां पर सबसे पहले हम सम का यूज बताएंगे। सम का यूज किस प्रकार से करते हैं, अभी मैंने आपको बताया सम का यूज कब होता है, अनकाउंटेबल वे काउंटेबल में सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ। काउंटेबल में क्या था, सिंगुलर व प्लूरल सब्जेक्ट के साथ करते हैं। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया। और यही बात एनी में भी निकल के आती है कि एनी का प्रयोग भी इसी प्रकार से होता है।
अब इसमें अंतर क्या है? सबसे पहला यूज हम देखेंगे इसका, सम का यूज हम केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं, अफर्मेटिव सेंटेंस में करते हैं। ये पहली शर्त क्या होगी इसकी? तब देखेंगे कि सम का प्रयोग अनकाउंटेबल काउंटेबल सभी के साथ करते हैं, लेकिन उसमें क्या देखना है, हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होना चाहिए, यानी कि अफर्मेटिव को होता है स्वीकारात्मक, सिंपल सेंटेंस हो वहां पर हम सम का यूज करते हैं। जैसे लिख दिया देयर रिक्त स्थान, मैंगोज इन माई बास्केट, देयर मैंगोज इन माई बास्केट। सेकेंड एग्जाम्पल हम लिखते हैं देयर के साथ यहां पर आर, अब उसके बाद रिक्त स्थान है ये। अब मनी इन माई पॉकेट, तो दोनों प्रकार से है, देयर आर मनी, मैंगोज ये क्या है, काउंटेबल में प्लूरल, क्या है बताइए, काउंटेबल में क्या है ये, प्लूरल, बहुवचन के साथ भी हम यहां पर किसका यूज करेंगे, सम, किसका यूज किया यहां पर बताइए, सम। और यहां पर देयर वाज मनी इन माई पॉकेट, यहां पर भी हम मत सम का यूज कर देंगे, तो यहां पर हम किसका यूज करेंगे, सम। तो हमने पहला यूज देखा है कि सम का यूज केवल अफर्मेटिव सेंटेंस में किया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल और मैं आपको बता रहा हूं, रिक्त स्थान बॉयज आर प्लेइंग ऑन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड, ठीक है, बॉयज से पहले क्या आएगा, सिंपल सेंटेंस, लिए अपन क्या लगा देंगे, सम। तो आपको जानकारी में होना चाहिए सम का यूज काउंटेबल अनकाउंटेबल सभी के साथ करते हैं, लेकिन ध्यान रहे केवल सेंटेंस हमारा कैसा होना चाहिए, अफर्मेटिव सेंटेंस हो, ठीक है। अब हम दूसरा यूज क्या है उसको देखेंगे, सेकेंड यूज हम देखेंगे देखो, सेकेंड यूज जो आप लिख रहे हैं, दूसरा यूज कमांड रिक्वेस्ट और इनविटेशन, कमांड रिक्वेस्ट वे इनविटेशन का भाव प्रकट करने वाले, प्रकट करने वाले इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में, इंटरोगेटिव सेंटेंस में दूसरा यूज क्या है, वाक्य प्रश्नवाचक हो सकता है, लेकिन प्रश्नवाचक वाक्य में हमारा भाव कौन सा होना चाहिए, कमांड रिक्वेस्ट इनविटेशन, कमांड मीन्स ऑर्डर, रिक्वेस्ट मीन्स क्या होता है, निवेदन, और इनविटेशन माने होता है आमंत्रण। अगर इन तीनों में से किसी एक का भाव प्रकट होता है तब अभी हम सम का यूज करते हैं, और उस स्थिति में हमारा सेंटेंस क्या होगा, इंटरोगेटिव सेंटेंस इसमें दिया होगा। जैसे रिक्वेस्ट का भाव, रिक्वेस्ट अपन कब करते हैं, जब हमें किसी से कोई वस्तु, सामने वाले से कोई वस्तु
प्राप्त करनी हो तो हम रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज मुझे ये चीज चाहिए, क्या तुम मुझे ये चीज दोगे, तो रिक्वेस्ट करते हैं। तो जैसे विल यू प्लीज गिव मी रिक्तिस्तान मनी, और यहां पर हमारा चिन्ह आ गया प्रश्नवाच्य। देखिए मनी, विल यू प्लीज गिव मी रिक्तिस्तान मनी, तो यहां पर मनी शब्द अनकाउंटेबल है। अब क्या लिखेंगे यहां पर, सम, यहां पर जो हम यूज करेंगे वो किसका यूज होगा, सम। तो क्या तुम मुझे कुछ पैसा दोगे, विल यू प्लीज गिव मी सम मनी। तो अपने यहां पर क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट, निवेदन कर रहे हैं। आगे दूसरा भाव दिया है इनविटेशन का, जब हमें हम किसी दूसरे को अपने यहाँ पर बुलाते हैं, आने का निमंत्रण देते हैं, तब भी हम रिक्वेस्ट ही करते हैं। तो इसमें लिखेंगे, रिक्वेस्ट में आएगा, देखिए विल यू प्लीज विजिट, जैसे रिक्वेस्ट जब निवेदन इनविटेशन का भाव आता है, इनविटेशन किस प्रकार से हम आमंत्रण करते हैं, देखिए इनविटेशन में, ये हमारा जो रिक्वेस्ट का भाव था, इनविटेशन में विल यू विजिट एट माय होम का डे, वो एक प्रश्नवाचक भाव रहेगा, विल यू विजिट एट माई होम डे, क्या तुम किसी दिन मेरे घर पर विजिट करोगे, यानी क्या तुम किसी दिन मेरे घर मिलने के लिए मुझसे आओ, तो क्या होगा, विल यू विजिट एट माई होम, तो यहां पर भी हम सम का यूज कर देंगे। तो रिक्वेस्ट करते हैं तो किसी दिन, तो समडे आएगा विल यू प्लीज। नेक्स्ट दिए कमांड, किस प्रकार से हम कमांड देते हैं, शान वाल ऑर्डर देते हैं। देखिए जैसे हमारा वाक्य दे दिया आदेश देना, सामने वाला व्यक्ति जैसे वाई डोंट यू गिव हिम, वाई डोंट यू गिव हिम ऑरेंजेज, यानी इसका अलावा व्हाई डोंट यू गिव हिम, तुम उसे क्यों नहीं देते हो ऑरेंजेज, संतरे, क्या जाएगा सम, तुम उसे कुछ संतरे क्यों नहीं देते हो, इसका मतलब वो हमें ऑर्डर दे रहा है कि हम उसको क्या दें, संतरे ऑरेंज उसको दें। तो इस प्रकार से या तो हमारा सेंटेंस सिंपल होगा अफर्मेटिव तब हम सम का यूज करेंगे, और नहीं तो फिर कमांड रिक्वेस्ट और इनविटेशन का भाव प्रकट करने वाले वाक्यों में यूज करते हैं। अब हमारा बिंदु आता है एनी का प्रयोग, किस प्रकार से एनी का प्रयोग करते हैं, देखिए एनी का प्रयोग भी सम की तरह होता है, अनकाउंटेबल काउंटेबल में सिंगुलर और प्लूरल सब के साथ, यानी कि चाहे नाउन हमारा अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल, अनकाउंटेबल हो या काउंटेबल अथवा काउंटेबल में सिंगुलर हो या प्लूरल, सिंगुलर हो या प्लूरल कोई फर्क नहीं पड़ता, नाउन कैसा है इस चीज से इस पर ये यूज पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अंतर क्या है, कहां पर हम सम का यूज करते हैं, कहां पर एनी का यूज करते हैं,
तो ये तो क्लियर है कि सम का यूज कब करते हैं, जब हमारा सेंटेंस अफर्मेटिव होता है। यहां पर क्लियर है एनी का यूज, पहला यूज लिखेंगे एनी का यूज हम निगेटिव वे इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, इंटरोगेटिव निगेटिव वे इंटरोगेटिव सेंटेंस में करते हैं, ठीक है। केवल यही अंतर है, अफर्मेटिव होता है तो सम का यूज होता है और नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होता है तो हम एनी का यूज करते हैं। एग्जांपल, ही डिड नॉट डू, ही डिड नॉट डू वर्क। अब यहां पर हमारा ही डिड नॉट डू एनी वर्क, डिड नॉट ये नेगेटिव हो गया, इसलिए हम यहां पर किसका यूज कर देंगे, एनी का यूज कर देंगे। हैव यू रिक्त स्थान, बुक इन योर बैग, इन योर बैग किस प्रकार का वाक्य है। हैव यू बुक इंट्रोगेटिव है, इसलिए हम यहां पे क्या लिखेंगे, हैव यू एनी बुक इन योर बैग, क्या तुम्हारे बैग में थैले में कोई पुस्तक है। क्यों आया एनी, ये नेगेटिव सेंटेंस है और ये हमारा क्या है, इंट्रोगेटिव। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंस में हम एनी का यूज करते हैं। दूसरा यूज उसमें था कमांड, रिक्वेस्ट, इन्विटेशन, इसके अंदर ऐसा नहीं है। देखिए उसका दूसरा यूज है, अगर सेंटेंस में ऐसे कुछ वर्ड जो नकारात्मक या प्रश्नवाचक का भाव बताते हैं वहां पर भी हम एनी का यूज करते हैं, चाहे वो सेंटेंस हमारा अफर्मेटिव हो लेकिन उसमें कुछ नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बताने वाले कुछ शब्द मौजूद होते हैं। तो इसमें आप लिखेंगे, यदि वाक्य में, यदि वाक्य में इफ वेदर, यदि इफ वेदर कुछ शब्द सेलेक्टेड है, इफ वेदर हार्डली स्केयर्सली, स्केयर्सली इफ वेदर हार्डली स्केयर्सली नेवर rarely seldom 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 के बाद अगला है dene de and dene हो गया, fail फॉरबिड, इसके बाद में आपको दिया है डेयरली, और भी काफी शब्द हो सकते हैं, जैसे इम्पॉसिबल आता है, इम्पॉसिबल, तो कितने हो गए, इफ वेदर हार्डली स्केयरली नेवर रेयरली सेल्डम डिने फेल फॉरबिड डेयरली इम्पॉसिबल आदि शब्द यदि हमारे वाक्य में आ जाते हैं तो साधारण वाक्य होते हुए भी हम एनी का यूज करेंगे। किस प्रकार से यूज करेंगे, एनी का यूज करेंगे, ही हैज, जैसे एग्जाम्पल लिखते हैं, ही हैज रिक्त स्थान मनी इन हिज पॉकेट। तो देखो क्या, ही हैज मनी इन हिज पॉकेट, यानी ही हैज मनी उसके जेब में, तो हार्ड ही हैज
हार्डली आएगा बीच, क्या लिखेंगे यहाँ पर? हार्डली, दोबारा लिखता हूं देखो, तो ही हैज हार्डली रिक्त स्थान मनी इन हिज पॉकेट, इन हिज पॉकेट, तो क्या जाएगा? क्यों हार्ड शब्द आ गया, इसलिए आप लगा देंगे हम इन। तो अब इस प्रकार से आपने देखा होगा और भी कई एग्जाम्पल इसमें आ सकते हैं, कोई सा शब्द आ जाओ आपको क्या लगाना है, एनी लगा, जैसे ही है हार्डली हो गया, इसके देख पर और भी आ सकता है, इसमें आ सकता है देयर इज स्केयर्सली एनी गार्डन, देयर इज स्केयर्सली एनी गार्डन इन ए डेजर्ट, रेगिस्तान में मुश्किल से ही कोई बगीचा होता है, देयर इज स्केयर्सली एनी गार्डन। अब एनी क्यों है कि उसमें स्केयर्सली आ रहा है, इसलिए हम यहां पर एनी का यूज करते हैं। कौन कौन शब्द है? इफ वेदर हार्डली स्केयर्सली नेवर, कोई सा आ सकता है इनमें से शब्द आ जाएंगे तो भी हम एनी का यूज करेंगे। और जब ऐसे शब्द आते हैं तो सेंटेंस हमारा साधारण होता है लेकिन भाव नकारात्मक होता है, इसलिए आप एनी का यूज करेंगे। आशा है आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा, अगर पसंद आए तो इसको लाइक जरूर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।